इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर ब्रांच है डैन को बता रहा था कि एक बार हमारी यंग लेडी ने हमारे ग्रेट हेवेनली मर्चेंट ग्रुप के सारे रिप्रेजेंटेटिव को अपने पास बुलाया था और उन्हें ऑर्डर दिया था कि उन्हें एक पर्सन को खोजना है जो कि गौरजियों से आता है। यह ऑर्डर ग्रेट हेवेनली मर्चेंट ग्रुप के सभी लॉ में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑर्डर होगा। उन्होंने कहा था कि अगर हम सभी को ऐसे किसी पर्सन के बारे में पता चलता है तो हम सभी का यह सबसे प्रायोरिटी वाला काम होगा कि हमें उसकी अपनी पूरी तरह से मदद करनी होगी और उनके बारे में जल्द से जल्द यंग लेडी को स्मोक सिग्नल के द्वारा बताया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया था कि उस गौरजियों से आए पर्सन के पास उनका सबसे पहला दिया हुआ उनका ट्रस्ट आइटम भी होगा। उन्होंने बताया था कि यह उनके फादर का रिक्वेस्ट है, साथ ही मेरा भी। वह दोबारा डैन से कहता है, मास्टर डैन, क्या यह हो सकता है कि एक गौरजियों का पर्सन, जहाँ तक मुझे पता है कि यंग लेडी मेन लैंड में आने के बाद उसने अपना ट्रस्ट आइटम सिर्फ 3 लोगों को दिया है जिनमें से कोई भी आदमी नहीं है। उसी समय वह अपने मन में सोच रहा था, तो इसका मतलब है कि मास्टर डैन उस समय जब उसने यंग लेडी के ट्रस्ट आइटम को उठाया था उनका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था जो कि पूरी तरह से सामने दिख रहा था। यदि वह उस ट्रस्ट आइटम का वैल्यू नहीं समझता है तो इसी के साथ वह डैन से पूछ ही देता है, यदि यह सच है तो क्या यह हो सकता है कि आप हमारी यंग लेडी को जानते हैं। डैन स्माइल देते हुए कहता है, क्या सोहो ठीक है। जिसे सुन ब्रांच हेड कहता है, मैं जानता था, तो क्या आप मुझे उस ट्रस्ट आइटम को दिखा सकते हैं। डैन कहता है, क्या तुम ट्रस्ट आइटम के बारे में बात कर रहे हो। ब्रांच हेड दोबारा कहता है, यदि आप वह पर्सन है जिसे यंग लेडी ढूंढ रही है तो आपके पास यंग लेडी का ट्रस्ट आइटम होना ही चाहिए। यह हमारे ग्रुप के लिए एक इम्पोर्टेंट मैटर है। यदि आपके पास वह ऑब्जेक्ट है तो मुझे आशा है कि आप इसे मुझे दिखा सकते हैं। डैन अपने पास से उस चीज को निकालते हुए कहता है, एक ट्रस्ट आइटम, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। ब्रांच हेड को तो झटका ही लग जाता है। वह उस आइटम को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, निसंदेह ही यह ट्रस्ट आइटम है जिसका मेंशन यंग लेडी ने किया था। यह वह पहली ट्रस्ट आइटम है जिसे उसने पहली बार बनाया था जब वह छोटी थी। आखिरकार फाइनली, और वह झपट्टा मारते हुए डैन के हाथों को पकड़ने के बाद कहता है, आखिरकार फाइनली आप आ ही गए। आप नहीं समझ पाएंगे कि यंग लेडी की कितनी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। अगर वह यह खबर सुनती है तो वह निश्चित रूप से ही बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। डैन ब्रांच हेड को ऐसा करता हुआ देख एक अजीब चेहरे के साथ कहता है, अब तुम रुक भी जाओ। पर ब्रांच हेड डैन की बातों पर बिना ध्यान दिए अपनी डरावनी शक्ल बनाते हुए डैन से कहता है, अब चलिए जल्दी चलिए, मैं आपको यंग लेडी के पास बहुत अच्छे तरीके से पेश करूंगा। वह अभी आयरन मार्शल एसोसिएशन में है, अगर वह इस बारे में सुनती है तो उसे बहुत ही खुशी होगी। अगर मैं सही कहूँ तो वह वास्तव में हाल ही के कुछ समय से बहुत कठिन समय बिता रही है। डैन चौंकते हुए कहता है, हाँ, सोहो के साथ क्या हुआ है कि वह इतने कठिन समय से गुजर रही है। ब्रांच हेड उदास होते हुए कहता है, ऐसे कई लोग हैं जो हमारे ग्रुप पर डोमिनेट करने की इच्छा रखते हैं, जिनमें से आयरन मार्शल एसोसिएशन, विशेष रूप से 5 ड्रैगन लीग, वे हमारे ग्रुप के लिए और पॉलिटिकल मैरिज को बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डैन कहता है, क्या पॉलिटिकल मैरिज। ब्रांच हेड बताता है, 5 ड्रैगन लीग सरफेस पर हुए हमें दबाने के लिए पॉलिटिकल मैरिज का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे कि आप जानते हैं पीछे से उन्होंने 5 वॉरियरों और ब्लैक मर्चेंट ग्रुप को संगठित किया और ग्रेट हेवेनली मर्चेंट ग्रुप के की प्लेस पर अटैक किया। वे हर तरफ से यंग लेडी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो आपका थैंक्स जो कि हमने उन्हें हैंडल कर सके, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे भविष्य में यंग लेडी को सप्रेस करने के लिए किस तरह का बहाना बनाएंगे। इसके बावजूद यंग लेडी को बहुत खुशी होना चाहिए यह जानने के लिए कि मास्टर डैन मेनलैंड में है। डैन कहता है, आयरन मार्शल एसोसिएशन प्लीज इतना बताए कि मैं जल्द ही उनसे मिलने आऊंगा। ब्रांच हेड कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि यंग लेडी आपका इंतजार कर रही है। डैन कहता है, मैं जानता हूँ सोहो मेरे लिए एक प्रीशियस पर्सन है, लेकिन मुझे एक जरूरी काम करना होगा। भले ही सोहो लंबे समय से मेरा इंतजार कर रही है, पर कुछ ऐसा है जो कि मेरे लिए उससे पहले उस काम को पूरा करना होगा। ब्रांच हेड कहता है, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं समझ गया, मैं इसे यंग लेडी के पास पहुंचा दूंगा, लेकिन क्या आप कम से कम मुझे बता सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। डैन उसे बताता है, मैं कल एनह्यू प्रोविंस में जाने की प्लानिंग कर रहा हूं। मैं वहां के सारे अफेयर्स को पूरा करने के बाद जल्द ही सोहो से मिलने के लिए आ जाऊंगा। जिसके बाद डैन वहां से जाने के लिए तैयार होते हुए ब्रांच हेड को ग्रीट करते हुए कहता है, एक बार फिर मैं आपको उन बच्चों की देखभाल करने के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ब्रांच हेड भी ग्रीट करते हुए
में कहता है, मैं आपको बहुत दूर तक एस्कॉर्ट नहीं कर सकता। और फिर ब्रांच हेड डैन को पीछे से जाते हुए देख कहता है, मास्टर डैन, ये वो पर्सन है जिसका इंतजार यंग लेडी 10 साल से कर रही थी। वह एक आउटस्टैंडिंग आदमी है, उसकी मार्शल आर्ट स्किल शायद उस उम्र में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उससे ज्यादा स्ट्रांग रहा होगा। पर रुको, मास्टर डैन गॉर्जियो से आए थे तो यदि वह लैंड रूट के माध्यम से मेनलैंड में पहुंचे हैं तब तो लियोनिंग प्रोविंस से होकर गुजरना होगा। और अगर मैं उस तारीख को पीछे की ओर से गिनता हूँ जब वह पहली बार इस जगह पर आया था, तो फिर यह उस समय की बात नहीं है जब कोई पर्सन जिसे किंग ऑफ वार कहा जाता है लियोनिंग प्रोविंस में सडनली अपेयर हुआ है। अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह ग्योबैंग के एल्डर के साथ है। यदि म्योंग फैमिली की घटना ग्योबैंग के पेट्रियार्च से संबंधित है तब कारण समझ में नहीं आता है कि क्यों ग्योबैंग इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ब्रांच हेड क्या सोच रहा है तो मैं आपको बता दूं सिंपल भाषा में। इसको अभी तक नहीं पता था कि हमारे डैन ही किंग ऑफ वार है, जो कि उसी समय सडनली अपेयर हुआ था जबकि म्योंग फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसे धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है। ब्रांच हेड सोचता है किंग ऑफ वार वह पर्सन जिसने लियोनिंग प्रोविंस में म्योंग फैमिली और डैड योक बो के बीच कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से सुलझा लिया। एक भयानक अस्तित्व के रूप में माना जाने वाला एक आदमी उस बिंदु तक जहां लियोनिंग प्रोविंस के सभी वॉरियर खामोश रहे, आखिरकार अंत में पहेली के सारे टुकड़े मेल खा रहे हैं। मुझे इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कुछ गलत लग रहा है। किसी तरह ऐसा लगता है जैसे वह तूफान को अपने साथ मेन लैंड के मोरी में ले आया हो। मुझे आश्चर्य है कि इससे ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को फायदा होगा या नुकसान। बहरहाल मुझे यह खबर उस यंग लेडी तक पहुँचानी होगी जो की मास्टर डैन ही किंग ऑफ वार है। इसी के साथ हम एक बोट को देखते हैं जो कि किसी जगह लेक के बीच तैर रहा था। और वहाँ पर कोई कह रहा था, मेनलैंड की 5 सबसे बड़ी झील, म्योंग झील, डोंगटिंग झील, हांगजोंग झील और सोहो झील, फिर अंत में ताई झील। मैंने सुना है कि इन 5 झीलों में से यह प्लेस सबसे अच्छा है। 48 आइलैंड और 72 माउंटेन पीक वाली झील, वास्तव में 48 द्वीपों के बीच ऐसा कोई नजारा नहीं होगा जो कि भव्य ना हो। 72 माउंटेन पीक का दृश्य जो पूरी तरह से मेनलैंड पर फिट बैठती है। और मैं आपको बता दूं यह जगह सोल्यू आइलैंड होता है। यह ताई झील के 48 आइलैंडों में से सबसे छोटा है। यह अपने छोटे आकार के कारण पब्लिक के बीच फेमस नहीं है। इसके अलावा अफवाहें कहती है कि ग्रेट अथॉरिटी वाले हाई रैंकिंग वाले ऑफिसरों के विला यहाँ पर स्थित है और यह जगह को और अधिक दुर्गम बनाता है। यही कारण है कि ब्लैक मर्चेंट जो पूरी दुनिया से धन और शक्ति बटोरते हैं, इस सेक्रेट और बंद स्थान को एक पूर्ण रूप से उपयुक्त नियमित बैठक स्थल के रूप में मानता है। और यह पर्सन जो कि बता रहा था, यह हेड होता है ब्लैक मर्चेंट ग्रुप की, उसके सामने बहुत सारे असासिन टेप वॉरियर आते हुए कहता है, ग्रीटिंग मास्टर। वह हेड बिना किसी पर ध्यान दिए आगे की ओर जाते हुए उन सभी के बीच से निकल रहा था। वह सारे वॉरियर अपने सर को नीचे झुकाए हुए उसको मेंशन के अंदर स्वागत कर रहे थे, जहां पर कोई कह रहा था, मेन ग्रुप के मामले में हमारे प्रॉफिट में कुल 30% की अधिक प्रॉफिट हुई है। इसे एक बड़ा प्रॉफिट नहीं माना जा सकता, लेकिन यदि आप सामने आई सभी प्रॉब्लमों को ध्यान में रखते हैं तो यह काफी ही ज्यादा संतोषजनक लाभ है। हालांकि अन्य बिजनेस कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए हमें नए बिजनेसों की विकसित करने की आवश्यकता है। वह हेड कहता है, तुम क्या सोच रहे हो मास्टर यो? वह बंदा कहता है, हमारे मेन मर्चेंट ग्रुप के लिए आप सभी के सहयोग से हमारे इनकम में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है। अगर हमारे मेन मर्चेंट ग्रुप और ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के बीच कोई टक्कर नहीं होती तो तब शायद हम एक बड़ा मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन अभी के लिए हमें इसी से संतोष करना होगा। दूसरा बंदा कहता है, द ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप यह हमेशा से ब्लैक मर्चेंट ग्रुप के लिए एक प्रॉब्लम रहा है। ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के मामले में उनके पास बहुत बड़ी निधि है और वे हमारे ब्लैक मर्चेंट द्वारा पारंपरिक रूप से प्रभुत्व वाला टेरिटरी में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। वे हमारे बिजनेस को वीकेंड करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। यह सही रहेगा, हमें इसके बारे में विशेष उपाय करना चाहिए। हेड कहता है, ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप। एक और पर्सन कहता है, मास्टर यह केवल ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप ही नहीं है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। निश्चित रूप से सभी फेमस मर्चेंट ग्रुप जो पहले से मौजूद है और साथ ही नए राइज कर रहे मर्चेंट ग्रुप भी हमें चुनौती दे सकते हैं जो कि हमारे सामने ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। हमें इसके साथ निपटने के लिए पूरे अलायंस के समर्थन की जरूरत होगी। वह बंदा कुछ नहीं बोलता है तो यह बंदा दोबारा कहता है, मास्टर क्या कुछ आपको परेशान कर रहा है? हेड कहता है, मैंने ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के रिलेटेड में आपके समाधानों के बारे में सुना है। हालांकि हम सभी के लिए कोई भी दृश्यमान परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए हैं, इसके बावजूद संकट
संकट खत्म हो गया है। मुझे यकीन है कि आप सभी इससे अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उससे भी अधिक आप में से कोई है जो कि कुछ भी सुना हो किंग ऑफ वार के बारे में। और मुझे पता है मैंने इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही हिंदी शब्दों का प्रयोग कर लिया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो से कम कर दूंगा। और मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मैं उससे निपट के वापस कंटिन्यू करूंगा वीडियो को डेली डालने की। तब तक के लिए मजे करो आप सभी।